कि आप सब लोग गाए हुए श्लोक का अर्थ समझ गए होंगे कि हर युग में समाज की सुख शांति के लिए कुछ कोई महापुरुष जन्म लेता है। सन 1851 में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। उन्होंने संविधान के लिए और उन्होंने हमारे संविधान समाज के लिए कानून बनाए। हमारे संविधान बनाने में गठित सभा संविधान को कुछ 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। आइए चलिए हम अपने संविधान को जानें। मैं संविधान हूँ, मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपकी सुख शांति के लिए बनाया है, लेकिन हमारे देश को आजाद हुए बहुत साल बीत गए, फिर भी मुझे पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है। लोग मुझे अपनाने से बचते हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं, अगर मेरी सांसें रुक गई तो इस देश का क्या होगा, इसलिए मुझे पहचानो। सीन वन, जी मुझे एजुकेशन के सिलसिले में आगरा जाना है स्कूल की तरफ से। कहाँ जाना है? आगरा जाना है। किस काम से जाना है? एजुकेशन के सिलसिले में। नहीं, तुम नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, तुम नहीं जा सकती। हाँ डैड, नो सर। अरे बेटे, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा, मुझे अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने आना है, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अरे हाँ, तुम तो मेरे लाडले बेटे हो, तुम 10,000 नहीं 15,000 लो और जाके मौज करो। ठीक है। ये क्या, मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ इतना भेदभाव होगा? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? हाँ है, जीने का अधिकार समाज में सभी को है, यह तुम्हारा मौलिक अधिकार है, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सीन टू, अरे यार, तुमसे देखकर चला नहीं जाता? अरे बाबूजी, मैं तो देख ही चल रहा था। मुझसे जान चलाता अंदर नहीं का। अरे मुझे जीने का पूरा अधिकार, मुझे ईश्वर ने ऐसा ही बनाया, ऐसा ही बनाया हूँ, तो क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, समानता का अधिकार समाज में सभी को है, यह तुम्हारा मौलिक अधिकार है, इसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। सीन थ्री, मैं कम इन सर। यस कम इन सर, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो परीक्षा में प्रथम आई हो, लेकिन तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों सर? यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों एवं नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं और तुम एक मजदूर की बेटी हो। सर अगर मजदूर की बेटी हूँ तो क्या मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता? सर मुझे सरकार की योजना की तरफ से यहाँ पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली है, मुझे यहाँ पढ़ने का पूरा अधिकार है। हाँ है, शिक्षा पर सभी का पूरा पूरा अधिकार है, यह तुम्हारा मौलिक अधिकार है, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सीन को, अरे ये क्या कर रही है कन्हुई, अभी तक झाड़ू ही लगा रही है, और काम कौन करेगा, तेरे मायके वाले? जी मैं करती हूँ। एक तो कन्हुई दही वही तो कुछ लाई है नहीं, ऊपर से एक घास 100 घंटे में करती है। बेटा मैं तो कहती हूँ तू इससे छुटकारा पा ले। तुम ठीक कहती हो माँ। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, मुझे भी जीने का अधिकार है। बस माँ बहुत हुआ, मेरा भी सम्मान अधिकार है, मैं चाहूँ तो आप दोनों के खिलाफ पुलिस में कम्प्लेन की तरफ से मुझे पूरा अधिकार है। हाँ है, अरे रे आप ये क्या कर रही हैं, घरेलू अत्याचार शोषण के खिलाफ है, इसके अधिकार पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सीन फाइव,
रुक जाइए, आपने सड़क के नियमों को तोड़ा है। अरे आप जानते नहीं है क्या, हम विधायक के बेटे हैं। विधायक के बेटे हैं तो क्या हुआ, सड़क के नियम सभी के लिए बराबर है। आप हमारा जुर्माना करेंगे? हाँ, और आपको जुर्माना देना होगा क्योंकि आप तो विधायक के बेटे हैं, और हो सके तो अगला जुर्माना ही पहले दे दीजिए क्योंकि आप तो विधायक के बेटे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नियम तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो विधायक का बेटा हो या करोड़पति का। सीन सिक्स। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। पर क्यों? क्योंकि ये तो हिंदुओं का इलाका है। नहीं, ये हमारा धार्मिक अधिकार है। नहीं, आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, आप यहाँ से जाइए। राम सिया राम। रुको रुको रुको, आप यहाँ पर राम खता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मुसलमानों का एरिया है। नहीं, ये हमारा धार्मिक अधिकार है। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारा भारत देश एक धर्म निरपेक्ष देश है जिसमें हर किसी को अपने अपने धर्म का पालन करने का पूरा पूरा अधिकार है। आइए चलिए अब हम अपने इन मौलिक अधिकारों को जानें। हमारे देश में हमारे संविधान में हर व्यक्ति एवं नागरिकों को रक्षा हेतु मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धन्यवाद।